हेलो दोस्तों, आज हम बोया माइक्रोफोन में एक एक्स्ट्रा माइक और जोड़ने की बारे में आपको बताएंगे। शायद आपको पता भी हो, पर जिन लोगों को पता नहीं है वो दोबारा इसको देख लें, अगर कहीं आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो आपको पता चल जाए। जी, मेरे पास अपने बोया BHS माइक्रोफोन हैं, इनके साथ एक माइक ही आता है दोस्तों। ये देखिए, इसकी 40 मीटर तक की रेंज होती है। मान लो अब कभी भी आपको दूसरा माइक्रोफोन लगाना पड़ गया, माइक लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, मान लो किसी चीज़ में आप किसी की इंटरव्यू कर रहे हो या किसी और आपको वीडियो बनानी हो, उसमें आपको दो माइक्रोफोन चाहिए, इसलिए मेरे पास एक बोया का M1 माइक है। ये देखिए दोस्तों, इसकी इसकी तार बहुत बड़ी होती है दोस्तों। ये देखिए, अगर मान लो दो आदमियों ने इसकी वर्तों करनी है तो आप ये माइक्रोफोन बाज़ार से ले लें, क्योंकि अगर आप वो बोया का BHS माइक्रोफोन लेंगे वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसीलिए आप एक बोया का M1 माइक्रोफोन ले लें और एक BHS माइक्रोफोन ये ले लें। इसमें ये देखिए, इसमें दो माइक लगते हैं यहाँ पे, एक तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है और दूसरा ये मेरा लग गया। इसी से आप दोनों माइक जोड़ सकते हैं। ये देखिए, एक तो चलो जो है वो ट्रांसमीटर तो एक आदमी के साथ लग जाएगा, दूसरा माइक है जो ये दूसरा माइक है ये आप दूसरे आदमी पे लगा दें और ना तार नीचे से चली जाएगी और आपको दोनों आदमियों की रिकॉर्डिंग आपको पूरी क्लियर मिलेगी। ये देख, ट्रांसमीटर है दोस्तों, ये है बोया का रिसीवर। इसको आप अपने फ़ोन में या अपने कैमरे में भी अटैच कर सकते हैं दोनों का। इसमें पूरी वॉइस की क्लियर आती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। थैंक यू।